नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी। आज मैं आप लोगों को अंगारकी चतुर्थी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भगवान गणेश का एक भक्त था जिसका नाम था अंगारकी। उसने अपने जप तप के बल पर भगवान गणेश जी को प्रसन्न किया। उसके जप और तप से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उसके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने उसकी इच्छा के बारे में पूछा। इस पर अंगारकी ने कहा कि हे प्रभु, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नाम आपके नाम के साथ सदैव जुड़ा रहे, इससे मुझे भी आपके नाम के साथ लोग याद करेंगे। इस बात को सुनकर विनायक जी ने, भगवान गणेश जी ने उसे वरदान दिया कि ठीक है, आज के बाद जो भी चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ेगी उसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। इसमें तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा। अंगारकी चतुर्थी को मंगल चतुर्थी भी कहा जाता है। अंगारकी चतुर्थी के दिन उनकी पूजा करने वाले व्यक्ति सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करें और भगवान गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठकर संकल्प लें। भगवान गणेश जी की प्रतिमा को घर के ईशान्य कोण में एक चौकी पर स्थापित करें। स्थापित करने के बाद उन्हें जल, वस्त्र, नैवेद्य, धूप दीप, भोग और दुर्वा अर्पित करें। पंचोपचार पूजन के बाद अंगारकी चतुर्थी का व्रत करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि सूर्योदय से पहले वे स्नान करें और साफ सुथरा कपड़ा पहनकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठें। भगवान गणेश जी की प्रतिमा एक चौकी पर घर के ईशान्य कोण में स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद उन्हें जल, अक्षदा, दुर्वा, वस्त्र, नैवेद्य आदि का भोग लगाकर धूप दीप दिखाकर उनके सामने प्रार्थना करें। नैवेद्य चढ़ाने के बाद थाली या केले के पत्ते पर कुंकुम से त्रिकोण बनाकर उसके अग्रभाग पर घी का दीपक जलाना चाहिए और उसमें थोड़ी मसूर दाल और सात लाल मिर्च रखनी चाहिए। इस पूजन के उपरांत भगवान चंद्रमा को शहद, रोली और चंदन मिश्रित दूध का अर्घ्य दें। उसके बाद भगवान गणेश जी के यहाँ चढ़ा हुआ भोग उठाएं और परिवार को बांटें। यदि आप भौतिक सुख चाहते हैं तो भगवान गणेश जी को बेल का फल चढ़ाना चाहिए। पारिवारिक कलह दूर करना चाहते हैं तो भगवान गणेश जी के यहाँ चढ़ा हुआ गोरोचन अपने मुख्य द्वार के ऊपर उसी गोरोचन से तिलक करना चाहिए। और धन संपत्ति चाहते हैं तो दही, शक्कर मिली हुई भगवान गणेश जी को चढ़ाना चाहिए और उसका भोग भगवान गणेश जी को लगाकर परिवार वालों को प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। भगवान गणेश जी के अंगारकी का व्रत करने वाला व्यक्ति सुख समृद्धि, यहां तक माना गया है भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता माना गया है। तो सबसे पहला काम है भगवान का कि वह आपने आपके विघ्नों को हर लेते हैं। वह बुद्धि के देवता कहे गए हैं, तो आपके घर में परिवार वालों को सद्बुद्धि देंगे, समृद्धि देंगे, ऐश्वर्य देंगे, पारिवारिक कष्ट दूर करेंगे, हर तरह की मनोकामना पूरी करने वाला व्यक्ति, हर तरह की मनोकामना को चाहने वाला व्यक्ति, अपनी मनोकामना को पूरा करने चाहने वाला व्यक्ति वह भगवान गणेश की अंगारकी चतुर्थी का व्रत करे तो उसे निश्चित सफलता मिलती है और अपार सफलता मिलती है। उसके कारोबार में तरक्की होती है, नौकरी कर रहा है तो उसमें तरक्की होती है, परिवार के लोग
बहुत ही सुखी जीवन जीते हैं। धन्यवाद।